हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं इनफॉर्मल साइंस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोसीर के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग लिथोसीर के बारे में देखे थे और जाने थे कि कैसे एक बैरन लैंड पे कुछ समय के बाद एक पूरा का पूरा वेजिटेशन डेवलप कर गया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक तालाब में, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कुछ समय के बाद पूरा का पूरा वेजिटेशन डेवलप कर जाता है। तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए नीट, एम्स और बोर्ड सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और अपडेट हमेशा लाता रहता हूं। और अगर आपका कोई टॉपिक आपके दिमाग में है तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी बहुत जल्द वीडियो लाता हूं। राइट, शुरू करते हैं हम लोग हाइड्रोसीर से। देखिए, हाइड्रोसीर अभी जस्ट एक्सप्लेन किए कि एक ऐसा सक्सीशन है, एक ऐसा प्लांट का सक्सीशन है जिसमें कि एक फ्रेश वाटर डेवलप कर जाता है। किसमें? राइट, वेजिटेशन में, एक पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट में, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में। राइट, तो देखिए, सबसे पहले ये इसको हम लोग 7 स्टेज में डिवाइड किए हैं। क्वेश्चन जब भी आप इस टॉपिक से आएगा तो ये स्टेज का हायरार्की से आएगा कि किस स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आता है। राइट, आपका एग्जाम्पल से सवाल आएगा कि कौन सा जो प्लांट्स है वो किस स्टेज में डेवलप करता है, किस स्टेज में वो रहते हैं। राइट, तो आइए आपको देखिए, बायोलॉजी है, लोग बोलते हैं कि इसको याद करना होता है। डेफिनेटली कुछ बातें याद करने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको एक सिस्टम में, एक हायरार्की में याद रखें और स्पेशली पिक्चर के फॉर्म में देखें, याद रखें, बार बार उसको पढ़ें, तो दिमाग में लंबे समय तक के लिए रहता है और हमें कभी भूलते नहीं हैं। और इसीलिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपके लिए पिक्टोरियल फॉर्म में आपको चीज़ों को बताया जाए, और ताकि आप हमेशा याद रखें, चीज़ों को कभी भूले नहीं। आपको स्टार्ट करते हम लोग फाइटोप्लैंक्टन स्टेज से। देखिए, सबसे पहले एक फ्रेश वाटर सिस्टम था, एक लेक था, एक फ्रेश वाटर लेक था, पॉन्ड था, और उसके अंदर कोई भी वेजिटेशन इनिशियली नहीं पाया जा रहा था। लेकिन सबसे पहले उसमें कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली डेवलप किए फाइटोप्लैंक्टन्स, या फिर जूप्लैंक्टन्स बोल सकते हैं, या फिर कुछ छोटे छोटे एल्गी, बैक्टीरिया वगैरह, है ना, जो बेसिक होते हैं, यूनिसेलुलर्स वगैरह होते हैं, वो डेवलप किए सबसे पहले तालाब में। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हो सकता है फाइटोप्लैंक्टन हो, जूप्लैंक्टन हो, कोई एल्गी हो, एंड वगैरह वगैरह। उसके बाद कुछ समय बीता तो क्या हुआ कि ये सब फाइटोप्लैंक्टन्स क्या हो गए, डेड कर गए, मर गए। जब ये फाइटोप्लैंक्टन्स मरे तो इनके जो बॉडी के रिमेन्स थे, ऑर्गेनिक मटेरियल्स थे, वो यहाँ पर पानी के अंदर आए और सतह पे जमा होने लगे। राइट, अब देखिए, उस सतह पे न्यूट्रिएंट आने से, ऑर्गेनिक मटेरियल्स आने से क्या हुआ, अगले स्टेज में हम लोग चलते हैं, और उस दूसरे स्टेज को हम लोग बोलते हैं समर्ज्ड रूट प्लांट स्टेज। राइट, इसके अंदर देखिए, जब फाइटोप्लैंक्टन वगैरह मरे तो यहाँ पर नीचे में बॉटम पे आकर के कुछ अवशेष जमा हो गए। अब इस अवशेष में चूंकि एक सॉइल पार्टिकल्स थे, तो वहाँ पर भी कुछ प्लांट्स डेवलप करेंगे जो कम्प्लीटली पानी के अंदर रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं समर्ज्ड रूट प्लांट। दो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, पहला आपका हाइड्रिला और दूसरा आपका वेलिसनेरिया, बहुत बार पूछा गया है। राइट, तो ये स्टेज आया। उसके बाद क्या हुआ कि ये वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, ये भी क्या हुए, कुछ समय के बाद डेड कर गए, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स का जो अमाउंट था उस बॉटम में धीरे धीरे बढ़ने लगा, और पानी कम होने लगा इस तालाब में, और जो सॉइल पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, तालाब छिछला होते गया, पानी कमने लगा है। आगे स्टेज बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं समर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज। इसके अंदर देखिए कुछ और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बॉटम पे जमा हुए हैं, उससे क्या हुआ, और देखिए यहाँ पे जो हाइट है वो पानी का लेवल का, वो मात्र 4 से 8 फीट का जब रह जाता है तो कुछ और प्लांट्स उसके अंदर डेवलप करते हैं, और उसका एग्जाम्पल है लोटस, नीलम्बो, वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया जिसको बोलते हैं, और एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, बहुत बार डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, नीट में, बोर्ड में, एम्स में पूछे गए हैं वहाँ से कि वाटर हाइसिंथ किस स्टेज में आते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, समर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट। अब देखिए, यहाँ पे ये मटेरियल चूंकि बॉटम में था तो ये प्लांट तो ऑल बिल्ड, मतलब कि रहेंगे ही सही, ठीक है। उसके बाद कुछ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जैसे कि वाटर हाइसिंथ। अब देखिए, पानी 4 से 8 फीट तक ही रह गया है, तो कुछ प्लांट्स के रूट क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डीप चले गए, और यहाँ पर देखिए जो सॉइल पार्टिकल्स था यहाँ तक आकर के रहने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसे प्लांट का डेवलपमेंट हो गया, होने लगा है, जो कि एम्फीबियंस हैं, मतलब कि उनका जो अपर पार्ट है वो पानी के ऊपर भी है और रूट है पानी के अंदर, सॉइल में हुए हैं। अगला स्टेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीड स्वैम्प स्टेज। इसके अंदर एग्जांपल्स अजोला, टाइफा और सेजिटेरिया।
अब इस स्टेज में देखिए, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आता है इससे कि एम्फीबियन स्टेज किसको बोला जाता है, तो आंसर जाएगा रीड स्वाम्प स्टेज का। एकदम से मार्क कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो पानी का लेवल है वो मात्र 1 फीट बच गया है। अब 1 फीट बच गया है तो कुछ वैसे प्लांट्स आए जिनका कि रूट सबमर्ज है कम्प्लीटली पानी में, और उनका जो मोस्ट ऑफ द स्टेम वाला ऊपर वाला सेक्शन है वो पानी के ऊपर है। उस स्टेज को बोलते हैं रीड स्वाम्प स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आता है, दैट इज कॉल्ड द मार्स मिडो स्टेज। इसके अंदर एग्जाम्पल है पॉलीगोनम और कोरैक्स और सिप्रस। अब देखिए, पानी अब एकदम से 1 फीट था उसमें, अब इसमें 1 फीट भी पानी नहीं रहा, लेकिन मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक तरह से बहुत ज़्यादा दलदली हो गया है। हल्का हल्का सॉयल का भी कंपोनेंट्स है और मॉइस्चर लिटिल बिट है, मतलब दलदल जैसा फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है उस तालाब में। तो उसमें प्लांट जो रहेंगे ये 3 रहेंगे। स्टेज को बोलते हैं मार्स मिडो स्टेज। अगला स्टेज है, दैट इज कॉल्ड द स्क्रब स्टेज या वुडलैंड स्टेज। अब यहाँ पे वैसे प्लांट्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है जो उडी होते हैं, राइट। कुछ हर्ब्स हो गए, कुछ शॉप्स हो गए, वो सब उडी प्लांट्स आने लगे हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि निमेटोफोर्स रहते हैं इस स्टेज में। जो भी प्लांट्स रहेंगे उसके अंदर मिलेगा निमेटोफोर्स। स्टार मार्क क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार। निमेटोफोर्स वैसे जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं जो दलदल में मिलते हैं, तो दलदल में क्या होता है कि रेस्पिरेशन का दिक्कत हो जाता है। अब रेस्पिरेशन का दिक्कत होता है तो उनके जो रूट्स होते हैं वो पानी से ऊपर आ जाते हैं। अगर हम लोग माने कि ये पानी है तो रूट्स अंदर जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर आ जाएंगे और इसमें मिलते हैं छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छेद मिलते हैं लेंटिसेल्स, और इसे क्या करते हैं रूट जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उससे ले लेते हैं हमारा ऑक्सीजन और करते हैं रेस्पिरेशन। उसी को हम लोग बोलते हैं निमेटोफोर्स। एग्जांपल्स है कॉमस, अल्नस और एसेसिया, जो कि आप जानते हैं एसेसिया के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हर्ब्स टाइप्स प्लांट मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्टेज है जिसमें कि हर्ब्स वगैरह का आना शुरू हो जाते हैं। और लास्ट स्टेज आता है हमारा, दैट इज कॉल्ड द फॉरेस्ट स्टेज। फॉरेस्ट स्टेज मतलब आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, कॉनिफर्स फॉरेस्ट मिलेंगे, डिसूडियस फॉरेस्ट, ये सारे फॉरेस्ट इस कैटेगरी के अंदर आने लगते हैं। और इस स्टेज में अब देखिए, बहुत सारा मतलब तालाब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, पानी का मॉइस्चर भी धीरे धीरे टाइम के साथ कमने लगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जो प्लांट्स वगैरह डेड हुए तो बहुत ज़्यादा उससे ह्यूमस और न्यूट्रिएंट्स वगैरह बिल्टअप हो गए उस जगह पे, जिससे कि बड़े बड़े प्लांट्स भी अब आने लगे हैं। क्योंकि अब बड़े बड़े प्लांट्स तो उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह का ज़रूरत ज़्यादा होता है। और ये पार्टिकुलर जो स्टेज है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेज है, और कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टेज है जिसमें कि वो अपने आप को जो प्लांट्स हैं सरवाइव करा सकते हैं। और ये होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी। आपको बता चुके हैं कि जब उसके बाद कोई और स्टेडियस स्टेज में चला जाता है और पार्टिकुलर सक्सेशन, उसके बाद कोई फर्दर प्लांट्स का जो अपीयरेंसेस होता है वो नहीं हो पाता, उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। तो ये आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गया, और ये आपका पायोनियर कम्युनिटी हो गया। फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन स्टार्ट होंगे और लास्ट में फॉरेस्ट पे खत्म हो जाएगा। एक बार आप इस पूरे पिक्चर को देख लें और एक दो बार बस रीड करेंगे, आपको बेहद आसानी से इन सारे टॉपिक्स याद हो जाएंगे। एग्जांपल्स आप बस ध्यान में रखिएगा। बस तो इतना सा था इस टॉपिक में। और अगर आप इस वीडियो को लाइक किए तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे पास अभी बोल रहा हूँ कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हमारे पास जो ये 5 से 10 मिनट का वीडियो बन जाता है तो उसको अपलोड करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो आप लोग का लेकिन अगर सपोर्ट रहा तो मैं पूरे चैप्टर को एक लेक्चर में ही समराइज करने का कोशिश करूँगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस दें, और ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जल्द से जल्द लाने का कोशिश करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।